हेलो एवरीवन, वेलकम टू छतपाईगुरु। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टूडियो में यूपी ट्रिपल एससी का लोअर एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर 2019 को। तो 1 अक्टूबर 2019 की जो इवनिंग शिफ्ट है, तो इवनिंग शिफ्ट में हमारे जीके और रीजनिंग क्वेश्चन आए थे, तो उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे क्या क्वेश्चन आए हैं और उसके क्या क्या आंसर है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को सभी अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं आपके सामने जो सेट लेके आया हूँ, ये ए ए सेट जो 1 अक्टूबर के इवनिंग में आया था, तो इस सेट से लेकर अगर ए बी ए सी डी ए ई ए ए से लेकर ए जी तक जितने भी सेट है, तो उसके आप क्वेश्चन नंबर चेंज रहेंगे, लेकिन सभी का आंसर एक ही रहेंगे, तो आप वो भी अपने सेट के अनुसार देख सकते हैं। तो हमारा जो आपका आज का हमारा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन था, वो देखते हैं क्या आया है। तो हमारे जीके जो जनरल नॉलेज में जीके के 50 क्वेश्चन आए हैं, तो हम पहले 50 क्वेश्चन जीके डिस्कस करेंगे, इसके बाद करेंगे रीजनिंग के। तो पहला हमारा जीके क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि कीवर्ड्स, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है। तो ये सारे हमारे हम अगर जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर यूज करता है उसको सबको बताते हैं, यह हमारे माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित होते हैं, इसलिए हमारे सी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, टिमोथी डोनाल्ड कुक जिन्हें टीम कुक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो टीम कुक के बारे में काफी बार न्यूज में आता रहता है, तो ये किस कंपनी के सीईओ है, ये है हमारे एप्पल कंपनी के सीईओ है, इसलिए 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आप आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट से जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में है कि इसका आंसर क्या है, आप मेरे को कमेंट से जरूर बताएं कि सर इसका आंसर ये है, ये आपके होमवर्क के लिए है। इसका आंसर जिसको भी पता हो जल्द से जल्द अपना बताए। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये कौन सा जिला साझा नहीं करता है, जो सीतापुर है। तो सीतापुर क्या है कि सी ऑप्शन जो ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के में स्थित के सीमा पर स्थित है। कि उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर कौन सा शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है बलिया। तो बलिया जो जिला है उत्तर प्रदेश और किसकी बिहार की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, वह कौन से राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। एक कौन से नेता, यह है चंद्रशेखर जी है, चंद्रशेखर ने यह यात्रा 1983 में की थी। क्वेश्चन नंबर 32, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत के देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो यह कौन थे प्रधानमंत्री, यह थे वीपी सिंह के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, उस प्रदेश के उत्तर प्रदेश के शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है, क्या सुहाग नगरी कहा जाता है। यह शहर कांच की चूड़ियों को बनने के लिए प्रसिद्ध है, यह शहर कौन सा है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारे अदर शिफ्ट में भी था, तो उसको थोड़ा चेंज था, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, फिरोजाबाद है, जो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान भी रखें। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी है। तो इसका हमारे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 35, सारनाथ का वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो सारनाथ का कहां पर है, यह हमारे वाराणसी में है। तो हमारे इसका 35 का आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई बनाने की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है ये चिकनकारी साड़ी के लिए, ये हमारा लखनऊ शहर है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा। ये काफी इजी क्वेश्चन में माना जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले से। इसका सही आंसर क्या, तुलसीदास। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1771 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया। तो यह राजा कौन से, मार्टन वर्मा राजा के द्वारा यह युद्ध लड़ा, डच ईस्ट इंडिया की कंपनी के साथ लड़ा गया था, जिसमें इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 ईस्वी में परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया। तो ये कौन सी है, बेगम हजरत महल। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यही क्वेश्चन हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में, लेकिन थोड़ा उसको चेंज करके आया था, तो इस तरह क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या था, मुगल वंश के पहले सम्राट किसके, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। तो इस पुस्तक का क्या नाम है, तो इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल इसलिए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अवधि लगभग कितनी थी। तो यह अवधि उनकी कितनी थी, 2 हफ्ते के लगभग थी। तो इसका बी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। किसके, भगवान बुद्ध के, तो ये चिकित्सक थे जीवक। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोमनाथ बंगला के संबंध में कौन सा कथन क्या है सही है। तो आमार सोनार बंगला के कथन में हमारा बी कथन बिल्कुल सही रहेगा। इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अनेक राष्ट्र ने अपने राष्ट्रगण के रूप में आमार सोमनाथ बंगला को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिन्हें पहली बार रूस में 5 वर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है, इसका हमारा सही आंसर ए आएगा, वाल्मीकि लेनिन ने के द्वारा। तो 44 का हमारा आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 45, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। तो वर्साय का महल किस यूरोपीय राजधानी में स्थित है, ये हमारी पेरिस राजधानी है उसकी स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या है, यूनाइटेड किंगडम, जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यूके में। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों पर विश्वविद्यालय हमारे कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, यूके में है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के कुल कितने जैव मंडल है। तो भारत में कितने जैव मंडल है, तो ये हमारे है 18। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को आपको पर आपको चेपारा थर झरना, पोठेमेडू व्यू पॉइंट और अट्टुकाद झरना मिलेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ए हो रहेगा, मुन्नार। क्वेश्चन नंबर 50, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, तो यह किस देश में स्थित है। वेनिस शहर नहरों पुलों से युक्त है, मतलब यहाँ पे क्या सड़क नहीं है जिसके कारण इसे नहरों पुलों से और सपनों की नगरी भी कहा जाता है। तो यह हमारा कौन सा है, इटली में है।
क्वेश्चन नंबर 51, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह निम्नलिखित में से किस देश में है? तो माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। कौन सा? पोनमुड़ी। तो यह किस शहर के पास स्थित है? तो यह हमारा तिरुवेंद्रपुरम में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? किसकी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो 161 के अनुसार किसे? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 हमारे क्या संविधान के भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, अप्रैल माह तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? तो अप्रैल माह तक क्या थे महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? ई इसका सी विद्यासागर राव, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहे। ये हमारा करंट से क्वेश्चन था। इसमें इस टॉपिक में पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और इस शिफ्ट को काफ़ी टफ शिफ्ट माना गया है चारों शिफ्ट में से। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो 301 किसकी गारंटी देता है हमारा? यह देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो ये जो संपत्ति का अधिकार हमारा आर्टिकल 1 था वो बाद में 300A में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आर्टिकल 324 से 329 किस संबंधित है? हमारे चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में GST वस्तु एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई व्यवस्था लागू करने के लिए उच्चतम स्लैब कितना? तो सबसे उच्चतम स्लैब कितना है इसका? 28% इसका उच्चतम स्लैब है। क्वेश्चन नंबर 60, बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें 2016 में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र अपनी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं? तो ये क्या है? सफाई उन्मूलन में इन्होंने कार्य किया है। तो मैनुअल स्केवेजिंग, हाथ से किया हुआ सफाई उन्मूलन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर कार्य कर रहा है? तो ब्रह्मोस के लिए भारत किस देश के साथ कार्य कर रहा है? इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, रूस के साथ। क्वेश्चन नंबर 62, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण में के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसमें मन की बात कहा जाता है, यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित किया गया था? यह कार्यक्रम सबसे पहले 2014 अक्टूबर में प्रसारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा GDP वाला देश है, कौन सा देश वैश्विक GDP रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है हमारे को? तो GDP रैंकिंग के बारे में इन्होंने पूछा गया, दूसरा यहाँ पे दूसरे स्थान पर पहुँचा है। दूसरे स्थान पर कौन है? यहाँ पे दूसरे स्थान पर है चाइना, और अगर पहले स्थान की बात, पहले स्थान पर कौन है? US है। और जापान की बात करें, जापान कौन से पे? तीसरे पे, जर्मनी चौथे पे, चाइना दूसरे पे, और भारत कौन से पे? पांचवे पे। क्वेश्चन नंबर 64, देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुआफ्लिटा ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव में आते हुए झुकते हुए इस्तीफा दे दिया। तो ये किस देश के राष्ट्रपति है? अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा,
क्रिकेट विश्व कप 2019 में के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के नाम बताएं। तो नए सीईओ किसका है? आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में 2019 में क्या था इनका? मनु साहनी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66। अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल इनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका क्या नाम है? विकेश के दसारी। दसारी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में नंबर दो पर आने वाली क्रिकेट टीम का क्या नाम है? क्या इन्होंने कौन सा पूछा? नंबर दो पे पूछा है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए ए ऑप्शन हम बिल्कुल इसको सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। आईपीएल 2019 सीजन में दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? किसमें? आईपीएल के बारे में बात हो रहा है तो इसमें जो श्रेयस अय्यर, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69। 2018 की शुरुआत में किस राज्य के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हरियाणा के झज्जर जिले में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारत के प्रमुख सुपारी उत्पाद राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रमुख सुपारी दो उत्पाद राज्य है, पहले नंबर पे कर्नाटक है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर कर्नाटक नहीं होता तो इसका आंसर हमारा केरल होता है। केरल और कर्नाटक दोनों प्रमुख उत्पादों में है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है और दूसरे स्थान पे होता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 71। उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका हमारा 71 का सही आंसर बी होगा, कमला पुजारी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61। सिरसी सुपारी पहली एरेकेनेट तो टैग प्राप्त हुआ है, तो यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर ए ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में यह सुपारी उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन जिले में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 74। बिहार के राज्य में सासाराम शहर निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो दोस्तों 74 का हमारा किसका पूछा है? प्राचीन शहर सम्राट का मकबरा कौन सा है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 75। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड आता है उत्तर प्रदेश की मध्य और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, इसका बी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह ये हमारे जीके क्वेश्चन आए थे 1 अक्टूबर की इवनिंग शिफ्ट में। दोस्तों अगर आपने इसके मैथ्स की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का हमारा है, निम्नलिखित ज्योमेट्रिक आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। तो नाम दिया गया है, इसके चार ऑप्शन है, तो चारों क्या बी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चतुर्भुज चालाकार त्रिभुज में 3 आकृति यहाँ पे दी गई है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं इनको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर देख रहे हैं किस टाइप तरह के क्वेश्चन आ रहे और उसके आंसर क्या है। निम्नलिखित समूहों में असंगत की पहचान करनी है,
अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, तो तीनों क्या है, फल और सलाद पत्ता के सलाद के रूप में यूज होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो कुछ शेर बकरियां नहीं है, यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है, और तीनों हमारे बिल्कुल सही मिले हैं, फिर बिल्कुल 6 है, तो इन्होंने पूछा 3 वाले के विपरीत क्या है, तो इसमें इसका ए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 1 आएगा इसका सही आंसर। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि 4 3 2 हमें एक क्लॉकवाइज रखेंगे, 6 के विपरीत 4 को रखेंगे, तो क्लॉकवाइज 3 के विपरीत हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पे सी भी बोल रहा है, तो अब आंसर की में देखते हैं कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा या इसका सी रहेगा, लेकिन इसके मैक्सिमम चांस किसके, ए के ही मैक्सिमम चांस है। क्वेश्चन नंबर 5, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल 4 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर पूर्व चलने को बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और उसकी बहन दीपिका कॉलेज से घर जाने के लिए घर से कितनी 16 किलोमीटर पूर्व जाती है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तो अब ऑफिस से कॉलेज की न्यूनतम दूरी उन्होंने पूछा है, तो ट्रिपलेट का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 13 बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, तो हमें क्या ये दूरी हमें यहाँ पे देखनी है, इसमें क्या है, पंच पांच पंचभुज एक पांच भुजा के एक चतुर्भुज है, तो दो तरह के हमारे इसमें डायग्राम दिए गए हैं, तो इसमें घड़ी की सुई को विपरीत दिशा में कितनी बार, 3 बार घुमाया जाता है, फिर चतुर्भुज की घड़ी की सुई को कितनी बार, 4 बार चतुर्भुज को घुमाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रख कितनी बार घुमाया जाना है, हमें ये भी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, सम चतुर्भुज को 4 बार जबकि पंच चतुर पंचभुज को कितनी बार, 3 बार घुमाया जाता है, कितने डिग्री पे, 270 डिग्री और 45 डिग्री, तो उत्तर के प्रतिबिंब में उपयोग अक्षर का प्रतिबिंब का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित एक कथन और उसके संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन और निष्कर्षों को पढ़े और निर्धारित करने में कि कौन सा निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन को अनुसरण करता है, कथन का एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने और वापसी का निर्धारित करने की तिथि के बाद विलंबित दोनों दिन प्रतिदिन के 10 रुपये दंड लेता है, निष्कर्ष के महंगी पुस्तकों के लिए अर्धन अधिक होगा और सस्ती पुस्तकों के लिए कम होगा, तो इस कथन के अनुसार न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का हमारा है, उस विकल्प का चयन कीजिए कथन और धारणा से संबंधित जो निम्नलिखित कथन से के वैधपूर्ण धारणा रखता है, तो कथन क्या है, रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए, तो इसका अगर हम कथन को तीनों को ए सी और डी को देखें तो हमारे इससे संबंधित नहीं है, लेकिन बी हमारे इससे संबंधित बिल्कुल सही आ रहा है कि छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है जिसके कारण अतिरिक्त डिब्बे और स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन को और उसके नीचे दिए गए कई 2 क्रियाविधियों को पढ़े, चयन करें कि दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सी क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए, तो इसमें कथन क्या है, कामकाज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से साय 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे, क्वेश्चन नंबर 10, यदि पहली का अर्थ क्या समाधान है तो निबंध का क्या हो, क्या हो, क्वेश्चन मार्क में हमें निबंध का मतलब क्या होगा लिखना, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित जो जिस तरह दूसरा शब्द पहले संबंधित। तापमान से थर्मामीटर का वही संबंध जो आर्द्रता की से हाइग्रोमीटर से, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। जिस तरह कूट भाषा में लिटमस को SMITOLS लिखा जाता है और इंडिगो को ONDGO लिखा जाता है, तो उसी तरह JAGGE को क्या लिखा जाएगा? तो अगर हम इनको सॉल्यूशन करते हैं, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह के आए थे वो बता रहा हूँ, ताकि हमें आंसर पेपर का पता लग सके कि पेपर आए कैसे। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इनके सॉल्यूशन दे दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी टारगेट के एग्जाम खत्म हुआ, आंसर की देखने का टारगेट है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमारा 12 आया था, इसको अगर टेबल को यह लिखा जाता है, चेयर को यह लिखा जाता है, तो बेंच को क्या लिखा जाता है? इसका सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही आएगा। यदि पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू की क्यू का पति पी है, और हेल्थ का मतलब है जे का मतलब एल है, एन डॉलर एम का मतलब है एम का भाई एन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सुनिश्चित करेगा ए ए की माँ बी है? तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कठिन और निष्कर्ष दिए गए, सभी कुत्ते बिल्लियाँ, कुछ बिल्लियाँ बाघ है, सभी बाघ शेर, कोई शेर गधा नहीं है, तो निष्कर्ष क्या दिया गया? कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं और सभी शेर बाघ है, कुछ बाघ गधे बाघ है और कोई बाघ गधा नहीं है, तो इसमें अनुसरण 1 और अनुसरण 4 हमारा सही है, ये दोनों हमारे गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ए और 4 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि निम्नलिखित अक्षरों के मानक क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ये हमारे सीरीज दी गई है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क स्थान क्या आएगा? तो इस तरह हमारे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, तो 17 का ऑप्शन क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी आसान है। 394743 ये क्या अंकों को बदल कर आपस में आगे पीछे लिखा गया है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे में बदल दिया जाए और गुणा भाग को एक दूसरे में बदल दिया जाए, तो अंक 3 और 7 को भी बदल दिया जाए, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर माइनस का 133 बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, पति पत्नी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10:9 है, 9:3 है, पुत्र की आयु की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूचना में से किस अंक को अतिरिक्त रूप से आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका ए ऑप्शन क्या? 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु के 20% थी, यह इसका बिल्कुल सही आंसर, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ABCD कोनों को आयताकार मैदान का परिमाप 28 मीटर है, मैदान के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस अंश को अतिरिक्त रूप से आवश्यकता की पर्याप्त होगी? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयत का परिमाप आयत के क्षेत्रफल से 50% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो हमारे दो समीकरण के अब विकल्प को पढ़ने के लिए उपविकल्प लागू करने का चयन क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सही से चयन क्या है? सी आंसर ए का मान ज्ञात करने के, न तो अकेला समीकरण 1 प्राप्त है और न ही 2 प्राप्त, परंतु तो दोनों ही 1 के मान ज्ञात करने के लिए आवश्यकता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, 8 को लिखा जाता है RQYVYHN,
तो आर ए एन सी एच ई आर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सी आंसर हमारा आ रहा है, तो 23 का आंसर क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तालिकाओं के गौर से पढ़े और उसका उत्तर पढ़ दिए। तो तालिका दी गई है, इसके चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हमारा आ रहा है। तो इस वीडियो का रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन क्या है? यदि पी का अर्थ पी माइनस क्यू पी प्लस पी माइनस